है ना दोस्तों, आज हम लेकर आया है एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया है। अभी गर्म का मौसम है, ये बीमारी ज़्यादा होता है, गर्म के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा होता है। उस बीमारी के फायदे, साइड इफेक्ट, डोजेस क्या है, ये सब लेकर आया है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, तो पूरा नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं सिट्रोल सिरप के बारे में। सिट्रोल सिरप कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सी बीमारियों में सिट्रोल सिरप दिया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं सिट्रोल सिरप के कंटेंट के बारे में। जो कंटेंट में है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, जो विटामिन सी भी है सिट्रोल सिरप में, तो उसका MRP 58 रुपीज़ MRP है, जो मार्केट में अवेलेबल है या मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं सिट्रोल सिरप के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे सिट्रोल सिरप के फ़ायदे हैं, जो पेशाब में जलन होना, पेशाब में पेन करना, थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, तो ज़्यादातर जलन ज़्यादा होना, पेशाब में जलन ज़्यादा होना, पेन होना, और पेशाब में जो थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो सिट्रोल सिरप यूज़ किया जाता है। और कोई भी पेशाब में कोई भी इन्फेक्शन हो तो सिट्रोल सिरप यूज़ किया जाता है। तो आइए सिट्रोल सिरप का डोजेस क्या है। डोज आप एक कप पानी में 10 ml मिक्स करके 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह शाम आफ्टर फूड। एक कप पानी में 10 ml मिक्स करके सुबह एक बार, शाम को एक बार, आफ्टर फूड लेना है। अगर बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, 12 साल के ऊपर है, तो एक कप में 5 ml ले सकते हैं सुबह शाम, तो आपका जो जलन है पेशाब में वो अच्छा होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पेशाब में पेन होता है पेशाब करने से, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पेशाब में जो थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, तो ये पेशाब पूरा क्लियर हो जाएगा सिट्रोल सिरप यूज़ करने से। तो आप डोज के बारे में बता दिया, आप आइए साइड इफेक्ट। सिट्रोल सिरप लेने से साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, आपको एलर्जी हो सकता है या एसिडिटी हो सकता है, तो उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, कॉमन साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों आप लोग को ये सिट्रोल सिरप लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, डॉक्टर के बिना सिट्रोल सिरप को यूज़ मत कीजिए। तो ये सिरप लेने से पहले और एक बात बता दूँ, ये प्रेगनेंसी में लेना चाहिए या नहीं, ये भी एक बार डॉक्टर से सलाह लें। प्रेगनेंसी या महिलाओं को ये सिरप लेने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।